नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस लाइट में सर्किट यूज होने वाली हम बनाने वाले हैं, जो कि इस लाइट में ये पुश बटन स्विच यहाँ पे लगा है, तो इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये 25% ब्राइटनेस के साथ जलती है और सेकेंड स्टेप में ये 50% ब्राइटनेस के साथ जलती है और थर्ड स्टेप में ये 100% ब्राइटनेस के साथ जलती है और फोर्थ स्टेप में ये ऑफ हो जाती है। तो ये लाइट अभी ख़राब है, तो इसके लिए हम सर्किट बनाने जा रहे हैं। आईसी एक लेना होगा, जो कि नंबर होगा उसका दोस्तों CD4017, और इसको अभी हम यूनिवर्सल PCB पे हम इसको आईसी बेस को हम लगा लिए हैं, 16 पिन वाली आईसी बेस। तो अभी हम इसको अभी हम शॉर्ट करना पड़ेगा आईसी की पिन नंबर कुछ, तो अभी हम शॉर्ट कर लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये एक नंबर पिन है, एक नंबर से यहाँ 8 नंबर और यहाँ से फिर 9, यहाँ से 16, ये 16 नंबर पिन की आईसी है। तो अभी हमको पिन नंबर 15 और 10 को शॉर्ट करना होगा, उसको भी हम शॉर्ट कर लेते हैं। 10 और 15 को हम शॉर्ट करेंगे दोस्तों। 10 नंबर और 15 नंबर पिन हमने शॉर्ट कर दिया है, तो अभी हम 13 नंबर पिन और 8 नंबर पिन को अभी हम शॉर्ट करेंगे। चलिए अभी हम शॉर्ट करके दिखाते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, 8 नंबर पिन और 13 नंबर पिन को अभी हम शॉर्ट कर दिए हैं। अब चलिए कुछ कंपोनेंट इस पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, इस साइड से 16 नंबर पिन और इस साइड से 1 नंबर पिन। तो अभी हम इस पे कुछ कंपोनेंट लगाना होगा। तो सबसे पहले एक पुश बटन स्विच लगानी होगी 16 नंबर और 14 नंबर के पिन पे, तो इस तरह से लगा दिया है, इस तरह से लगा दिए हैं। और एक 10K का रेजिस्टेंस लगाना होगा, जो कि पिन नंबर 13 और 14 पे लगेगी इस तरह से, इस तरह से लगा दिए हैं 13 और 14 नंबर पिन पे। फिर रेजिस्टेंस लेना होगा एक 10K का, जो कि 2 नंबर पिन पे लगेगी। ये देखिए, यहाँ पे 2 नंबर पिन और यहाँ लगाएंगे 2 नंबर पिन पे, इस तरह से लगा दिए हैं, नहीं तो आप यहाँ कर दें। 10K का रेजिस्टेंस लगा दिए हैं 2 नंबर पिन पे। एक 4.7K का रेजिस्टेंस लेना होगा, जो कि 4 नंबर पिन पे लगानी होगी यहाँ पे आईसी 4 नंबर पिन पे। इस तरह से लगा दिए हैं। और 1.5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस लेनी होगी, एक 1.5K का इसको लगाना होगा दोस्तों 7 नंबर पिन पे। इस तरह से लगा लिए हैं 7 नंबर पिन पे यहाँ पे। ये देखिए, 2 नंबर पिन पे 10 किलो ओम्स की और 4 नंबर पिन पे 4.7 किलो ओम्स की और 7 नंबर पिन पे 1.5K की रेजिस्टेंस। तो अभी हम चलिए इसको और एक 3 लेना होगा 4148 डायोड 1N 4148 डायोड, जो कि इस तरह से लगानी होगी इस तरह से
सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस और एक लेना होगा। चलिए अभी इसको फिलहाल सोल्डरिंग कर लेते हैं, सोल्डरिंग करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से सोल्डरिंग कर दिया है सभी जगह। तो दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पे ये जिनर, ये डायोड की तीनों पॉइंट जो बची हुई है, यहाँ पे एक आप अब हमें BD 139 ट्रांजिस्टर लगानी होगी। और BD 139 की बेस पे हम ये डायोड वाली पॉइंट को हम जोड़ेंगे बेस पे। तो बेस इसमें इसे पकड़ेंगे इस तरह से, नंबर वाली ऊपर के साइड, और इस तरह से पकड़ेंगे तो बेस आपकी ये रहेगी। तो बेस हम ऐसे करके हम लगा देते हैं, इस तरह से हम लगा देंगे पलट के इस तरह से। ये जो पॉइंट तीनों शॉर्ट किए हैं, जहाँ पे ये बेस होगा वहाँ पे हम बेस लगा देंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, बेस हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं इस तरह से लगा दिए हैं। उसके बाद ये 3 वाट की LED है, इसको भी लगा देंगे। चलिए अभी हम लगा के देखते हैं। कलेक्टर हम इस पे लगाएंगे बेस पर, ये ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पे हम नेगेटिव पॉइंट जोड़ देंगे इस LED की, और पॉजिटिव को हम पॉजिटिव दे देंगे। उसके बाद हम फिर आगे बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने पूरी कनेक्शन कर ली है। यहाँ पे देखिए नंबर पिन और 13 नंबर पिन जो शॉर्ट किए हुए हैं, यहाँ पे हम ग्राउंड दे दिए हैं। और ये जो ट्रांजिस्टर लगाए हैं, इसको इमीटर से जोड़ दिए हैं और ग्राउंड कर दिए हैं। ग्राउंड ये यहाँ पे टर्मिनल लगा दिए हैं, बैटरी टर्मिनल। ये पॉजिटिव है, जो कि ये 16 नंबर पिन IC की है। यहाँ पे 16 नंबर पिन पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे LED की पॉजिटिव। तो इस तरह से हम सर्किट पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। दोस्तों ये सर्किट पूरी तरह से ओके है, हमने देख लिया है, कहीं पे मिसिंग नहीं है। तो अभी हम इसमें बैटरी और IC लगा के देखेंगे। दोस्तों ये पे लगी है इस तरह, 1 नंबर पिन है, यहाँ पे हम 1 नंबर पिन पे लगाएंगे IC। तो अभी हम चलिए लगा के देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल की ऑल पे क्लिक कर लें, बेल की ऑल पे क्लिक कर लें। अब चलिए MIC लगा देते हैं, 4017 IC। ये देखिए 4017 IC है दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरा ख़राब है मेरा मोबाइल। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और शेयर करना, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल की ऑल पे क्लिक कर लें। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हम बैटरी लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए 4.2 वोल्ट का बैटरी है। तभी हम स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1, 2, 3, 4, 4 में ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सर्किट को बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों वीडियो में कोई डाउट रह जाती है तो आप इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, उस पर सर्किट बनी हुई है।